वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल चिल्ड्रन क्लास 10th इंग्लिश की पोयम जो है द बॉल पोयम उसके एमसीक्यू करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोयम। द बॉल पोयम के पोएट कौन है? जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। जो लड़का है किसके साथ खेल रहा था? वो खेल रहा था एक बॉल से। वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहां चली जाती है? बॉल चली जाती है वॉटर में, हार्बर में। What does a ball cost? जो बॉल है क्या वो महंगी है? नहीं, वो बहुत सस्ती है, केवल वन डाइम की है। How does the child react at the loss? बच्चा वो जो बॉल है जब उसकी खो जाती है, पानी में चली जाती है, कैसे रिएक्ट करता है? स्टैंड रिजिड, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, कांपने लगता है और बस उसी तरफ देखने लगता है जहां उसकी बॉल गई थी। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। पोएट के हिसाब से बच्चा क्या चीज सीख रहा है? वो ये सीख रहा है कि जीवन में जो लॉस आएंगे, आज से ही वो लॉस को सीख रहा है कि लॉस को बियर कैसे किया जाता है, सहा कैसे जाता है। डज द पोएट कंसोल द बॉय। क्या जो पोएट है वो बॉय को चुप कराता है, बीच बिचारा करता है कि बेटे चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, दूसरी बॉल आ जाएगी? नहीं, वो वहां कुछ नहीं कहता बच्चे से। Why does the poet decide not to console the boy? वो ऐसा क्यों करता poet? उसे जाए, उसे चुप क्यों नहीं कराता? क्योंकि it will be of no use, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। Name the literary device used in। यहां से देखना है आपको कौन सा। Merrily bouncing down the street and then merrily dash over, there it is in the water। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग क्लॉज में एक पूरा वर्ड रिपीट हुआ है। मैरिली इधर भी यूज हुआ है और मैरिली इधर भी यूज हुआ है। जब दो अलग अलग क्लॉज में एक पूरा का पूरा वर्ड सेम वर्ड रिपीट होता है तो इसे बोलते हैं हम एनाफोरा। नेक्स्ट नेम द लिटररी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब देखो जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड सॉरी दो लेटर एक साथ बी बी ये आ जाएंगे तो इन्हें बोलते हैं एलिट्रेशन। रिपीटेशन जहां होता है लेटर्स का, एलिट्रेशन। व्हाई आर द बॉयज आईज डेस्परेट। बच्चे की आंखें डेस्परेट क्यों है? क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन। पोएट ने एक लाइन यूज की है इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन का मतलब है मटीरियलिस्टिक थिंग। मटीरियलिस्टिक थिंग क्या होती है? कार, घर, गाड़ी, घड़ी, फोन, है ना, इस सांसारिक चीजें। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर के कहां देख रहा था। वो देख रहा था हार्बर को जहां पे उसकी बॉल चली गई थी। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट। बच्चे ने क्या खो दिया है? उसने अपनी बॉल खो दी है। वेयर डिड द बॉल फॉल इन टू। बॉल किस में गिर गई थी? बॉल गिर गई थी पानी में, वॉटर। According to the poet, every man should know how to overcome the loss. Poet के हिसाब से हर इंसान को आना चाहिए कि दुख से कैसे उबरा जाता है। Giving another ball to the child is, बच्चे को अगर दूसरी बॉल दे भी दी जाए तो poet के हिसाब से वो बिल्कुल worthless है, क्योंकि उसकी जो feeling है वो जुड़ी हुई है पुरानी बॉल से। Who would not intrude the boy? बच्चे को कौन intrude नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएगा, उसे छेड़ेगा नहीं, उसे चुप नहीं कराएगा? पोएट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम, ये मैंने आपको बताया था। देखते हैं कि आपको याद है ए बी सी या डी। आई होप ये 4 मिनट की छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी जिसमें हमने सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।